जय श्री राम सभी भाइयों को, स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे इस वीडियो में। तो आज हमने अपने दूरा पर किया है लिट्टी चोखा का पार्टी। जो भी बिहारी लोग होंगे उनको पता होगा लिट्टी चोखा का क्या महत्व और क्या स्वाद आता है उसका। तो हमने भी अपने परिवार और भाई बंधुओं के साथ ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया अपने दूरा के छत पर। ये हमारे भैया भानु प्रताप सिंह और ये हमारे घर के ही सभी बच्चे हैं और कुछ ये भतीजा है किशु सिंह। और सभी लोग मिलकर हम लोगों ने सोचा कि चलिए आज पार्टी किया जाए। तो हमारा काम शुरू हो चुका है और हम लोग आटा अभी सानने का काम जो हमारे हरी जी हैं, हरी भैया हैं, वो कर रहे हैं। उसमें बेसन मिलाया गया है ताकि आटा का स्वाद और मस्त हो और सत्तू का जो लिट्टी बने वो मस्त बने। इसमें कुछ काला नमक भी डाल रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है कि इस प्रकार से आटा को इतना स्वादिष्ट बनाया जाए जिससे कि लिट्टी जो बने वो मुलायम भी रहे और स्वादिष्ट भी बने। और इसमें तेल भी, जो सरसों का तेल है, उसको भी मिलाया गया है कुछ मात्रा में ताकि आटा अच्छा तरह से मुलायम रह सके और लिट्टी में स्वाद अच्छा हो। और ये टोपी वाला है हमारा भाई चंद्र प्रताप सिंह, राजू सिंह, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है क्रिकेट का। और कुछ खिलाड़ी हमारे यहाँ पबजी के भी हैं, आप देख सकते हैं बच्चे। और ये हमारे माता रानी का भव्य मंदिर है जो कि अभी पुताई के लिए उसमें बांस लगा हुआ है। और ये हमारे आस पड़ोस का नज़ारा, रात में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मंदिर। और हमारे सभी बच्चे लोग लगे हुए हैं ड्यूटी पर। ये किशु है, इसको लगाया गया है प्याज काटने के लिए, बहुत ही नटखट लड़का है तो प्याज काटने में इसको लगाया गया है। और देखिए हमारा जुगाड़, देखिए ये इधर रखा हुआ है गोईठा, उपला कहते हैं कहीं कहीं इसको। और यही मेन है जिससे कि लिट्टी का आग तैयार होता है। और हम सब लगे हुए हैं, अभी आटा सना गया है, उसके बाद अब बना रहे हैं लिट्टी के लिए आटा का लोई। गोल गोल लोई बनता है, बिहारी लोग इसको लोइया कहते हैं, वही लोइया बना रहे हैं। और उसमें सत्तू का भी आटा, इधर सत्तू का चोखा तैयार हो चुका है जो कि मैंने ही तैयार किया। और सब सामान इधर उधर रखा हुआ है, सब लड़का लोग का जानते ही है कि कैसा पार्टी होता है। तो ये लड़के लोग लग गए हैं, मैंने भी सत्तू भरा और ये छोटे छोटे लड़के हैं जो सत्तू का लिट्टी भरने के लिए तैयार हो गए हैं। हमारे हरी भैया अभी भी आटा सान रहे हैं क्योंकि कुछ आटा बच गया था। तो उधर वो सब काम हो रहा है और इधर ये काम किशु कर रहा है, ये गोईठा को सजाने का ताकि उसमें अच्छी तरह से आग लगाया जा सके। और अंत में जब बच्चे लोग थक गए तो हमारे भैया और हरी जी दोनों मिल के ये लिट्टी भरने का काम अंतिम चरण में है। देखिए किस प्रकार से इसको भरा जाता है, लिट्टी को, आटे को किस प्रकार से गोल बना के उसमें सत्तू भर के बनाया जाता है। तो चलिए, उधर सत्तू बन रहा है और इधर हमारा आग भी लग गया है, चालू हो गया है आग लगना ताकि आग जल्दी से तैयार हो और उधर लिट्टी भी तैयार हो और एक साथ पकाने का काम हम कर सके। और आग देख सकते हैं आप, तेजी से लहकने लगा है और आग बनने की प्रक्रिया चालू हो गई है। और ये छोटा लड़का बहुत ही एक्टिव है, सब काम में कहता है कि हम करेंगे, तो ये सभी काम में आगे है। और देखिए आग लगाने में भी आगे है। तो आग तैयार हो चुका है, तो बैगन और टमाटर पकने के लिए इस पर डाल दिया गया है। सबसे पहले यही होता है कि बैगन को और टमाटर को, जो कि चोखा जिसका बनता है, उसको पकने के लिए डाला जाता है ताकि आग के रहते ही वो अच्छी तरह से पक जाए। और देखिए बैगन का जो भी टमाटर बैगन था वो पक गया और आग तैयार हो गया। तो इसमें लिट्टी पकने के लिए डाला जा रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, लगे हुए हैं मिलजुल कर। ये है ऋषभ सिंह, चोटिल है लेकिन क्रिकेट में चोटिल हो गया है और लगा हुआ है अभी लिट्टी पकाने में। सभी लोग, हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं ताकि कोई लिट्टी जले ना और सभी में अच्छा स्वाद हो, अच्छी तरह से पक जाए। तो देख सकते हैं हमारे घर के ही लड़के लोग हैं, कोई भाई है, कोई भतीजा है, तो सभी लोग लगे हुए हैं। हम लोग साथ में, एक साथ ही आज लिट्टी का प्रोग्राम बनाया गया था तो सभी लोग साथ में ही बने हुए हैं। और एक बड़ा ही लिट्टी, बड़ा लिट्टा, लिट्टा इसको हम लोग कहते हैं, तैयार कर दिया है किसी के लिए, देखते हैं किसके हिस्से में हो जाता है। तो हम लोगों ने ये तैयार लिट्टी पकाना चालू कर दिया है, मैंने भी हाथ लगाया इसमें। बहुत ही गर्म था, गर्मी भी तेज था और आग से भी गर्मी ज्यादा आ रहा था, तो पसीना तो मेरा चलना ही चलना है। उसके बाद इधर एक तरफ चोखा का काम चालू हो चुका था, चोखा बनने का जो प्रक्रिया है, सबसे पहले बैगन को छीला जा रहा है, उसके बाद टमाटर को छीला जाएगा और चोखा बनाने का प्रक्रिया चलता रहेगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ सिझाकर और कुछ पकाकर हम लोगों ने दो तरह का चोखा बनाया है। और लिट्टी भी अब लगभग तैयार हो चुका है, आप देख रहे हैं लिट्टी बहुत हद तक लगभग पक चुका है और कुछ कुछ जल भी गया है, लेकिन लगभग लिट्टी अच्छी तरह से पक गया है। तो अब इसको हम करेंगे सफैया। सफैया करने के लिए इसको गमछी में डालकर इस तरह से हिलाया जाता है तेजी से, ताकि इसमें जो भी धूल धूड़ी और राख लगा होता है वो छूट जाता है। और देखिए लिट्टी एकदम साफ, आप देख सकते हैं वीडियो में एकदम साफ सुथरा सॉलिड पका हुआ लिट्टी निकल कर बाहर आ गया। देखिए ये सब सभी लिट्टियों को बारी बारी से वैसे ही साफ किया जाएगा। और ये देखिए कितना मस्त और गोल गोल लिट्टी बनकर तैयार हो गया। तो अब हम इसमें इसको घी में डालेंगे। जो भी लिट्टी चोखा खाए होंगे उनको पता होगा कि किस प्रकार लिट्टी को पकाने के बाद घी में डाला जाता है। तो घी में डालकर उसको घी में मिलाया जाएगा, ताकि उसका स्वाद है जो और बढ़ जाए। तो भैया लगे हुए हैं घी मिलाने में, और हमने कुछ इस प्रकार से घी मिलाया है लिट्टी में, और हमारा लिट्टी चोखा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं सभी को लिट्टी और चोखा, सभी लोग लाइन से बैठ गए हैं और अब भोजन की बारी है। सभी लोगों के थाली में लिट्टी और ये देखिए हमारा चोखा कितना मस्त लग रहा है। ये भी चोखा तैयार हो गया है और अब खाने की बारी है। तो सभी के पत्तल में लिट्टी और चोखा दे दिया गया है, साथ में अचार भी है। और ये है छोटा ओम प्रताप सिंह, और इधर है ये है ओम प्रताप सिंह, ये है किशु सिंह जो कि बहुत ही एक्टिव लड़का है, और ये हमारे हिमांशु हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ लोग हैं और जो कि खाना खा रहे हैं, और हम भी अब चलते हैं खाना खाने के लिए। तो ये हमारा थाल लग चुका है जिसमें लिट्टी चोखा और अचार का कुच्चा है। तो हमने खाना खा लिया और बहुत ही मस्त बना था। हम लोगों का हाथ से बहुत दिन बाद लिट्टी चोखा का प्रोग्राम हुआ था। इस तरह से हम लोगों का प्रोग्राम खत्म हुआ और हम चल रहे हैं सोने के लिए घर की ओर, क्योंकि रात का 12 बज चुका था। जय श्री राम। वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री राम।